वाला मैं माफ कर दीजिए। माफी क्यों? हमने आपको मुसीबत में डाल दिया ना, हम ही आफत। आलिया बेटा आप ऐसे क्यों कह रहे हो? आप तो इतने अच्छे से हमारी सारी बातें मानती हो, जहां हम कहते हैं वहां छुप भी जाती हो, तो फिर आप आफत कैसे हुई? ऐसा कभी मत सोचना। अच्छा हमें एक बात बताओ, अगर तुम्हें प्यास लगी थी तो फिर तुमने वसु दीदी को क्यों नहीं बोला? खाला जैसी हमारी नींद खुली हमने वसु दीदी को ही आवाज दी थी, पर वो तो कमरे में ही नहीं थी। वसु इतनी रात को तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे जा सकती है? एक का फोन भी यहीं पर है। आलिया तुम एक काम करो, तुम सो, हम वसु दीदी का पता लगा कर आते हैं। नहीं खाला हमें छोड़ के मत जाइए, हमें बहुत डर लगता है। आलिया डरो मत, यहाँ कोई नहीं आएगा। हाँ हमें आपके साथ। नहीं खाला। अच्छा ठीक है हम यहीं पर हैं, ठीक है आप सोचो। तूने कोई बुरा सपना देखा होगा, खाम खामोरी नींद खराब कर दी। नहीं दादी हम कसम खाकर कहते हैं हमने कुछ सुना, हमें ऐसा लगा जैसे घर के अंदर कोई घूम रहा हो। तू मेरा दिमाग ना घुमा, मैं सबसे कहती फिरूं कि मोरे लल्ला के लिए वो चिरैया नहीं तू ही सबसे अच्छी है, पर आज तोरी हरकत बिलाड़ी फूल से कम ना लगी। चल सो जा चुपचाप। सॉरी बड़की दादी, गुड नाइट। रुक इधर इधर। हाँ तेरी आंखों में नींद कम और नाटक ज्यादा दिखे है, तू चुप ना बैठेगी, चल यहीं सो जा। एक रात के लिए काफी ड्रामा कर लिया। अब नहीं 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 हमें यहाँ नींद नहीं आएगी, हमें अपने बेड पर ही नींद आती है। नींद नहीं आएगी? एक काम कर पूरे पांव दबा, हे थकान से मीठी नींद आ जाएगी, पर ध्यान रहे सुबह से पहले यहाँ से हिली ना तो मेरी खपड़िया हिल जाएगी, समझी का? सोचा था जाकर बुलबुल और आलिया की पोल खोलेंगे, बड़की दादी ने तो हमारा ही ढोल बजा दिया। ओ गॉड हम ये कहाँ फंस गए। शेख साहब देखिए आप फिक्र मत कीजिए, कल आलिया आपके पास पहुंच जाएगी। जी 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 खुदा हाफिज। बोल तो दिया, अब एक दिन में आलिया को कैसे ढूंढेंगे, उस बच्ची ने हमें बर्बाद करके रख दिया। पापा मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, ये सारा किस्सा ही खत्म करता हूँ। पागल हो गया क्या? शेख ने धमकी दी है अगर मामला पुलिस तक पहुंचा तो वो हम सबको हलाल कर देगा। डर लग रहा है ना, सोचिए आपा आलिया कितना डर रही होगी, अंधेरे से कितना डरती है वो, नन्नी जान इस वक्त न जाने कहाँ और किस हाल में होगी, उसने कुछ खाया होगा या नहीं। आपा अगर हम शेख के पैसे लौटा दे तो शायद वो। पागल हो गए क्या? पैसे वापस कर दोगे तो अपनी बाकी बच्चियों को कैसे पालोगे? आलिया की गलती की सजा उनको क्यों दे रहा है? अप्पू आलिया अप्पा का है। बेटा आलिया आपा बाहर गई है, कल आ जाएंगे, जाओ तुम लोग सो जाओ। हमें नींद नहीं आ रही, आलिया आपा हमें दोस्त लोई सुना कर सुराती थी। रू तुम चाना को लेकर अंदर जाओ, हम अभी आते हैं। चल चाहे। देखो अहमद कल विधायक के घर जाकर धावा बोलो, ऐसा मसला उठाओ कि उसकी बेगम मजबूर हो जाए। आलिया को वही उठा कर ले गई है, बता रहे हम। आपा वो विधायक है, बिना सबूत के कैसे? और विधायक जी खुद चाहते हैं कि हम पुलिस की मदद लें, अब बताइए क्या करें? थोड़ी देर तो आराम से सोने दो ना। Thank you.
बुढ़िया कुंभकर्ण की नानी चुप हो जा, बंद कर अपना डीजे, खुद तो मजे से सो गई और हमें खराटों की लोरी सुना रही है। दादी अम्मा कहती हैं चांद पे परियां रहती हैं, सूरज जब छुप जाता है चांद निकल कर आता है, शबनम जब गिर जाती है सितारे छमछम करते हैं। दादी अम्मा कहती हैं चांद पे परियां रहती हैं। अब नींद आ रही आलिया? थोड़ी थोड़ी। आपको पता हमारी टीचर कहती हैं A for apple होता है और B for ball, पर अब से हमारे लिए A for आलिया है और B for बुलबुल खाला। बस वो बिना बताए कहीं नहीं जाती, फिर इतनी रात को वो कहाँ चली गई? घबराओ मत, बस वो होगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो हम पेट पिला रहे थे। हमारा मतलब हम सुला रहे थे। सुला रहे थे वसु को? हाँ, तो और किसे सुलाएंगे? तबीयत ठीक नहीं है उसकी, तो सुला रहे थे। वसु की तबीयत खराब है? हाँ विधायक जी सुनिए, भगवान हम क्या करें? विधायक जी वसु? विधायक जी क्या कर रहे हैं आप? अरे उसके सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, बड़ी मुश्किल से आंख लगी है उसकी, थोड़ी देर आराम करने दीजिए ना। आप जाइए, हम बस 10 मिनट में आते हैं उसे सुला के। हम हैं ना, आप जाइए। ठीक है। तुम रिको? खाला मैं माफ कर दीजिए। आलिया तुम बार बार हमसे माफी क्यों मांगती रहती हो? अब्बू कहते हैं झूठ बोलने से खुदा नाराज हो जाते हैं, और आपको मेरी वजह से झूठ बोलना पड़ा ना। आलिया तुम इतनी चिंता मत करो, सही समय आने पर हम खुद सबको सच बता देंगे, और फिर किसी बेगुनाह की मदद करना या किसी मासूम की जान बचाना ये तो नेक काम होता है ना, और नेक काम के लिए झूठ बोलने से खुदा रूठते नहीं है बल्कि खुश होते हैं और हमारा साथ देते हैं। खुदा नाराज तो नहीं होंगे ना? बिल्कुल नहीं। चलो अब सो जाओ। हम खिड़की बंद कर देते हैं, नहीं तो ठंडी हवा से तुम्हें जुकाम हो जाएगा। वसु और योग इतनी रात को कहां से आ रहे? अगर विधायक जी ने देख लिया तो भगवान। आलिया आप ना सो जाओ, हम बस 5 मिनट में आते हैं। हाँ ठीक है, सो जाओ। ठीक है, तुम क्यों फॉर्मेलिटी कर रहे हो? मैं चली जाऊंगी अपने कमरे में। अपनी डेट को सेफली घर पहुंचाना फॉर्मेलिटी नहीं, एक जेंटलमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बसों के पास उसका फोन भी नहीं है, कैसे बताएं कि विधायक जी उन्हें देख लेंगे? डेट? हाँ डेट, एनी प्रॉब्लम? मतलब कौन है?
कर। अम्मी आप तो खुदा के पास हैं, उनसे बोलिए ना हमारी वजह से बुलबुल खाला पर कोई मुसीबत ना है। चाची मैं आपको मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी। वसु हमारी छोड़ो, तुम अपने बारे में सोचो। तुम इतनी रात को अकेले चली गई उसके साथ घूमने, अरे कुछ भी हो सकता था, रात का समय इतने छोटे से शहर में, अब ये सब भी तुम्हें समझाना पड़ेगा क्या? हाँ वो नींद नहीं आ रही थी तो पूछ कर जाना चाहिए था ना वसु, अपना फोन भी साथ में नहीं लेकर गई थी। पता है 10 तरीके के ख्याल आ रहे थे दिमाग में, ना किसी को कुछ बता सकते थे, ना किसी से कुछ पूछ सकते थे, क्या करते? तुम्हारे चाचू आए थे तुम्हें ढूंढते हुए कमरे में, अगर उन्हें पता चल जाता कि तुम कमरे में नहीं हो तो हम क्या बोलते? हमें खुद ही कुछ नहीं पता था, तुम्हारी लापरवाही की वजह से हमें उनसे झूठ बोलना पड़ा, और ये तो अच्छी बात नहीं है ना वसु। आई एम सॉरी चाची, मुझे नहीं पता था कि मेरे वजह से इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको मेरी वजह से झूठ बोलना पड़ा, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए मुझे। वसु हमें तुम पर भरोसा है, इसीलिए हमने आलिया की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी है। तुम्हें बाहर जाने से पहले एक बार भी उसका ख्याल नहीं आया, उसे अकेला छोड़कर चली गई तुम। तुम जानती हो अगर लोगों को पता चल गया कि वो यहाँ है तो उसके साथ क्या हो सकता है? फिर भी वो सो रही थी तो मुझे लगा तब तक वापस। सॉरी चाची। चलो रात बहुत हो गई, तुम लोग सो जाओ, कल सुबह बात करते। खाला हमें अपने साथ ले जाइए, हमें बहुत डर लगता है। नहीं आलिया, तुम हमारे साथ नहीं आ सकती हो। नहीं खाला। खाला में ले चलिए ना, हम अपनी हर बात मानेंगे, अब जहाँ कहेंगे वहीं सोएंगे। खाला में बहुत डर लगता है, ले चलिए ना। जी सो गए। मच्छर बहुत बड़ा मच्छर है। Thank you.
बुलबुल जी, ये अपने बीजू को देखकर आपकी मुस्कुराहट क्यों गायब हो गई? नहीं विधायक जी, वो ना दरअसल पता नहीं हम कल रात को कैसे सो गए, अपना ही हाथ मरोड़ लिया नींद में। वो बहुत दर्द हो रहा है ना, इसलिए। बहुत दर्द हो रहा है? आपके हर दर्द की दवा है हमारे पास। स्प्रे पड़ा है, लगा देते हैं, आराम मिलेगा। नहीं। क्या नहीं? नहीं। वो आप वो पुस लगाएंगे हमारे हाथ पे तो हमें दर्द तो नहीं होगा ना? अरे नहीं बाबा, आराम मिलेगा।